लास्ट संस्कृति लेक्चर में देखा था नाट्य स्तंभक सप्तम पाठ, उसके तीन पाठ है। उसका फर्स्ट पाठ था प्रथम पुष्प, तो हमने वो देखा था। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि द्वितीय पुष्प, उसमें क्या स्टोरी है। तो उसमें क्या है, तीन कैरेक्टर है, रदनिका, दारक हम जो बच्चा है उसको दारक बोला गया, उसका नाम है कि रोह सिंह वसंत सेना। तो रदनिका बोलती है कि हे वत्स, वत्स मतलब बच्चा, फिर बाप बच्चे को बोलते हैं कि हे वत्स, शकटिकाया क्रीडावह, शकटिकाया मतलब गाड़ी, क्रीडावह मतलब खेलना। तो क्या बोलते कि हे वत्स मतलब ये बाड़ा या फिर ये बच्चे, कि शकटिकाया क्रीडावह मतलब हम लोग गाड़ी से खेलते हैं, ओके, या फिर हम लोग गाड़ी से खेलेंगे। तो दारका बोलता है, दारका मतलब बच्चा बोलते हैं, स करुणा मतलब रोते हुए स्वर में वो बोलता है, स करुणा रोते हुए स्वर में वो बोलता है कि किं मम एता मृतका शकटया तामेव सोवर्ण शकटया देवी। तो क्या बोलता है रोते हुए स्वर में रदनिके को कि मम एताया मृतिका, मृतिका मतलब क्या, मिट्टी, शकटिकाया मतलब गाड़ी। तो क्या होता है, मुझे वो मिट्टी की गाड़ी का क्या उपयोग, मुझे वो नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए था, तामेव मतलब उसको वही, तामेव मतलब वही, वही सोवर्ण शकटिका देवी, देवी मतलब देना, सोवर्ण मतलब सोने की और शकटिका मतलब गाड़ी। तो क्या बोलते हैं, मुझे मिट्टी की बनी हुई शकटिका को जो गाड़ी है उसका कोई उपयोग नहीं है, मुझे कौन सी वाली चाहिए, मुझे वही जो सोने की बनी हुई है वही गाड़ी चाहिए, और मुझे तुम वही दे दो, गाड़ी दे, दे मतलब देना। तो रदनिका बोलती है निश्वस्य मतलब वो दुखी होकर या फिर रोते हुए बोलती है कि जात मतलब बार बच्चा, कुतो अस्माकं सुवर्ण व्यवहार, कुतो अस्माकं मतलब कुतः प्लस अस्माकं संधि है, कुतः मतलब कैसे हमारा, अस्माकं मतलब हमारा सोने के साथ व्यवहार या फिर सोने के साथ कुछ संबंध ही नहीं है हमारा। तातस्य मतलब पिता, तातस्य पुनरअपि मतलब पुनः प्लस अपि संधि, श्रद्धा मतलब श्रीमंत, श्रीमंत सुवर्ण शकटिकाया क्रीडयसि मतलब अगर तुम्हारे पिता, पुनरअपि मतलब फिर से पिता तुम्हारे अगर श्रीमंत होंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सोने की गाड़ी से खेलने को मिलेगा, क्रीडयसि मतलब खेलना। तो क्या बोलते कि रोते हुए कि हमारे तो सोने के साथ कुछ संबंध ही नहीं है, और अगर तुम्हारे पिता फिर से धनिक हो गए, फिर श्रीमंत हो गए तो तुमको सोने की गाड़ी के साथ खेलने को मिलेगा। सुवर्ण शकटिया मतलब सोने की गाड़ी और क्रीडयसि मतलब खेलना। फिर वो खुद से बोलते स्वगत मतलब खुद के साथ ही बोलना कि तत् यावत् विनोदयामि एनम, मैंने संधि करके बोला, वो बहुत बड़ा है, तत् यावत् विनोदयामि एनम मतलब क्या, तत् मतलब तब तक, वो रो रहा था गाड़ी के लिए तो बोलते कि तब तक इसका मनोरंजन होने के लिए, विनोदयामि मतलब मनोरंजन करने के लिए मैं इसको कहा थोड़ा बिजी रखती हूँ, इसलिए वो क्या करते, उसको आर्या वसंत सेना यहाँ समीप ऊपर से यामि मतलब क्या करती है, जो एक औरत है वसंत सेना, जो औरत उसके पास उसको मनोरंजन करने के लिए लेके जाती है, ऊपर से कितने आर्य प्रणाम, और जब वो उधर पहुंच जाती है तो उसको वो प्रणाम करती है, कि प्रणाम करती है। तो बोलती कि वसंत सेना रदनी के स्वागतम ते मतलब रंदनी के तुम्हारा स्वागत है, कस्य पुनरेह द्वारका, द्वारका मतलब बच्चा मिलगा। तो बोलते कि ये लड़का किसका है, अनर्कृत शरीर अपि, मैं संधि करके ही बोल रही हूँ आज मोस्ट ऑफली, अनर्कृत शरीर अपि चंद्रमुख आनंद इति मम हृदय, हृदय मतलब दिल, मम मतलब वसंत सेना का जो दिल था उसको, चंद्रमुख मतलब चंद्रा सारखा, आनंद देती मतलब आनंद देना रहा, मतलब जो आनंद दे रहा था, अनर्कृत शरीर अपि शरीर मतलब बॉडी। तो क्या होती कि उसका जो शरीर था उसके ऊपर कोई भी अलंकार नहीं था, फिर भी उसका जो चेहरा था वो चंद्र मतलब एक चांद की तरह दिख रहा था, उसके वो चेहरे के कारण उसके दिल को एक आनंद मिल रहा था। तो क्या बोलती है कि बच्चा किसका है, जिसके शरीर पर एक भी अलंकार नहीं है, फिर भी उसका जो चेहरा है वो चंद्र जैसे और उसका वो जो चेहरा है मेरे दिल को आनंद दे रहा है। वो क्या बोलती है, कस्य पुनरद्वारा कह मतलब ये बच्चा किसका है, अनंत शरीर अपनी मतलब इसके बच्चे, इस बच्चे के शरीर के ऊपर
एक भी अलंकार नहीं है, मतलब दागिना नहीं है, फिर भी चंद्रमुख आनंद थी मम हृदय, फिर भी इसका जो चंद्र जैसा चेहरा है वो मुझे मेरे दिल को आनंद दे रहा है, उसके दिल में आनंद दे रहा है। तो आगे बोलती है रदनिका, एश खलु, एश मतलब यह सच में, खलु मतलब सच में, किसका बच्चा है, आर्य चारु दत्तस्य पुत्र रोहसेन नाम, मतलब हाँ कौन सा मुलगा है, तो ये सच में किसका बच्चा है, तो आर्य चारु दत्त जो थे उनका पुत्र है, जो पुत्र है वो है, और उसका नाम क्या है, रोहसेन, रोहसेन वो क्या बोलती है, आर्य चारु दत्त है उनका एक पुत्र है और उसका नाम है रोहसेन। फिर वसंत सेना बोलती है, ब्रैकेट में लिखा है बाहु प्रसार्य, मतलब वो दोनों हाथ फैलाकर बोलती है कि यही मेरे पुत्र, मतलब ये बच्चे, ये माशा बाला, मतलब आजा मेरे बच्चे, अनुकृतम मैंने, अनुकृतम मैंने पितुरूपा, मतलब अनुकृतम मतलब अनुकरण करना, ये बोलती कि इसका जो चेहरा है या फिर इसने अपने पिता के चेहरे का अनुकरण किया है, मतलब दोनों का फेस मैच हो रहा होगा उसके पिता का और उस बच्चे का, इसलिए बोलते कि अनुकृतम मने न पितु रूपा, मतलब पितु मतलब पिता रूप मतलब उनका चेहरा, वो बोलते कि इस बच्चे ने अपने पिता का चेहरे का मतलब जो फेस अपने पिता वैसे इसका अनुकरण किया है इसने, अतः किम निमित्त न रोदंती, मतलब फिर बोलते कि अतः मतलब ये बच्चा किस निमित्त से मतलब किस कारण की वजह से रो रहा है, रोदंती मतलब रोना, फिर किस दोष के कारण ये रो रहा है। फिर रदनिका बोलती है एते न प्रतिवेश द्वारकस्य, प्रतिवेश मतलब नेबर्स, फिर शेजार जो हमारे आजूबाजू रहते हैं, एते न प्रतिवेश द्वारकस्य सुवर्ण शकटिकाया क्रीडता, मतलब क्या ये जो शेजार का लड़का था फिर जो नेबर का बच्चा था उसके साथ सोने की गाड़ी से खेल रहा था, सुवर्ण शकटिकाया उसके साथ वो खेल रहा था सोने की गाड़ी के साथ, तेना चसा नीता, तेना मतलब उस बच्चे ने उसकी जो गाड़ी थी नीता मतलब लेके गया, तद ततः मतलब तब पुनः सत्ता मतलब मुझे फिर से वही चाहिए, जाचते ततो मतलब वो फिर से उसी गाड़ी की मांग कर रहा है अभी, ततो इसलिए मया इम मतलब मैंने इसके लिए क्या किया, मूर्तिका शकटिका कृत्वा दत्ता, मतलब वो क्या देखिए सोने की गाड़ी की जिद करके बैठा था, जब वो क्या हुआ था जो रोहसेन था वो अपने जो नेबर्स का बच्चा था उसके साथ सोने की गाड़ी से खेल रहा था, और जब खेल खत्म हो गया तो बच्चा था वो अपने गाड़ी लेके चला गया, तेना च सा नीता मतलब उस बच्चे ने अपनी गाड़ी लेके चली गई, और तब मुझे वही सोने की गाड़ी चाहिए इसे वो हट करने लगा जिद करने लगा, तब रदनिका ने क्या किया, इसलिए उसने क्या किया खुद से मिट्टी की गाड़ी बनाई और उसको दे दी, कि उसने मिट्टी की गाड़ी तैयार की और उसको दे दी, दत्ता मतलब दे जना तो मतलब करना, तत्व घनती मतलब रदनी की बोली, तब वो बोला क्या बोला वो कि मम किम मम एता मूर्तिका शकटिकाया, मतलब इस मिट्टी की गाड़ी का मुझे क्या उपयोग है, मुझे किस लिए चाहिए, तामेव सुवर्ण शकटिका दही थे, मुझे वही सुवर्ण शकटिका मतलब वही सोने की शकटिका या फिर वही सोने की गाड़ी मुझे चाहिए, दही मतलब देना, मुझे वही गाड़ी देना है देव तो। फिर वसंत सेना बोलती कि हादी हादी मतलब जाने दे मारुदी तर गृहान एकदम अलंकार सुवर्ण शिकिताया घटय, तो कि मारुदही मतलब मारुदही मतलब रडनो मतलब रो मत, उदही मतलब रोना, तो बोलते कि मारुदे रो मत तर गृहांतम अलंकार मतलब गृहान मतलब लेना, तो मैं अलंकार लेते हो तुम ले लो, और क्या करो सुवर्ण शकटिकाया घटय मतलब एक सोने की गाड़ी बनाओ, तो क्या बोलती है कि जाने दो हादी खादी मतलब जाने दो मारो दही मतलब रो मत, मैं तुम्हें क्या देती हूँ अलंकार देती हूँ तुम ले लो गृहान मतलब लेना, और उससे क्या करो तो सुवर्ण शकटिकाम शकटिकाम घटय मतलब उससे तुम सोने की गाड़ी तैयार करो, इति द्वारका मादाय निष्कृंदा रदनिका, तो फिर रदनिका क्या करती है उसके बाद अपने बच्चों को लेती है, जो बच्चा था उसके पास मुलगा लड़का था उसको लेकर वो वहां से निकल जाती है। तो इतनी सी स्टोरी थी कि उस बच्चे को
जब वो माँ मिट्टी की गाड़ी के साथ खेल मतलब वो अपने जो पड़ोसी थे उसके साथ वो सोने की गाड़ी के साथ खेल रहा था, जैसे खेलना खत्म हो गया वो लेके चला गया, तो वो अब सिर पकड़ के बैठे थे कि मुझे वही तुम सोने की गाड़ी दो। इसलिए उसकी जो थी रजनीका उसने क्या किया था, उसके लिए मिट्टी की गाड़ी बनाई थी अपने हाथों से। तो क्या बोलते कि इस मिट्टी की जो गाड़ी तुमने बने इसको मुझे क्या होगा, मुझे वही सोने की गाड़ी चाहिए। तो उसका थोड़ा मनोरंजन हो जाए इसलिए वो बसंत सेना के पास लेके जाएंगे। फिर वो पूछते कि बच्चा किसका है, तो क्या बोलती कि बच्चा जो है वो चारुदत्त जो है उनका है, उसका नाम रोहसेन है। तो क्या बोलती कि बसंत सेना इसके शरीर पर एक भी अलंकार नहीं है, फिर भी इसका जो चंद्र जैसा जो चेहरा है वो मुझे आनंद दे रहा है। फिर वो बच्चा रो रहा था इसलिए वो पूछती कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो क्या बोलती है कि जब वे खेल रहा था उस लड़की के साथ, तो लड़का खेलने के बाद अपनी सोने की गाड़ी लेके चला गया और अब ये जिद पकड़ के बैठे कि मुझे वही सोने की गाड़ी तुम दो, और इसलिए वो रो रहा है। तो वो क्या बोलती कि तुम रो मत, मैं तुम्हें मेरे अलंकार देती हूँ और उससे तुम सोने की गाड़ी बनाओ। तो क्या है कि स्टोरी में मतलब इतनी सी छोटी सी स्टोरी थी और ये मोस्ट ऑफ सरल लेखन है अब तक में। तो इसमें क्या पूछते हैं कि संस्कृत में उत्तर लिखिए एक वाक्य के लिए पूछेंगे, या फिर माध्यम भाषा उत्तर उत्तरम लिखिए, तो ऐसे ही प्रश्न के लिए पूछे जाते हैं। इसमें से मतलब भाषांतर ट्रांसलेशन नहीं आएगा कि ट्रांसलेट कीजिए माध्यम भाषा में, वो नहीं आएगा। सिर्फ माध्यम भाषा में उत्तर लिखिए उतना पूछते हैं। फिर संधि भी आने की इसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं बिकॉज ये सरल लेखनार्थम है। और लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, अभी सेकेंड पार्ट किया, तो अगले लेक्चर में हम उसका थर्ड पार्ट देखेंगे, तृतीय पुष्पम थर्ड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में बस इतना ही था, और अगर आपको किसी भी वर्ड का मतलब मीनिंग नहीं पता चल गया हो तो आप मुझे पूछ मतलब उसका हिंदी में मीनिंग पूछ लेना फिर समझने के लिए अच्छे से स्टोरी।